नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के मारोट से है, जहां भाजपा नागौर देहात के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ऑडिट का गुरुवार को भाजपा मारोट मंडल क्षेत्र में बाबा भैरवनाथ मंदिर में प्रवास कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रवास कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेश गोयल, सुनीता रांदड़, जिला उपाध्यक्ष सुनील चौधरी, जिला मंत्री पूजा कुमावत, नवा मंडल अध्यक्ष प्रकाश योगी, नवा चेयरमैन प्रतिनिधि गोपाल गांधी भी ऑडिट के साथ मौजूद रहे। प्रवास कार्यक्रम में पहुंचे सभी पदाधिकारियों का मारोट मंडल भाजपा के विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों ने भाजपा का दुपट्टा पहनाकर व सांपा पहनाकर स्वागत सत्कार किया। मंडल अध्यक्ष राजेश गुजर ने जिला अध्यक्ष को मंडल पदाधिकारियों की कार्य योजनाओं एवं बूथ संरचना के चल रहे कार्यों से अवगत कराया। जिला अध्यक्ष ऑडिट ने नवनियुक्त भाजपा युवा मोर्चा के विभिन्न पदाधिकारियों का स्वागत कर संगठन की मजबूती और संगठन के महत्व के बारे में बताते हुए सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। इस कार्यक्रम में पूर्व सरपंच चुनीलाल माली, नंदलाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष दामोदर स्वामी, सुल्तान सिंह, महामंत्री निर्मल योगी, आईटी प्रभारी नारायण वैष्णव, मोवाणा पंचायत समिति सदस्य रामेश्वर चौधरी, युवा मोर्चा अध्यक्ष मनोज शर्मा, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष राजेश सैनी, महामंत्री जितेंद्र सिंह रुलानिया, राजसेन, मीडिया प्रभारी अनिल सैनी, आईटी प्रभारी दिनेश शर्मा, शुभम ओझा, बल्लाराम कुमावत सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मारोट से हितेश रारा की विशेष रिपोर्ट।